प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक सारांश का चौथा पाठ पढ़ेंगे, पहली चूक, जिसके लेखक श्री लाल शुक्ल हैं। आज हम इस पाठ का तीसरा खंड पढ़ेंगे, तो आइए आज हम पढ़ते हैं इस पाठ का तीसरा खंड। दूसरे दिन से ही मुझे इस बात की चिंता हुई कि ऐसी चूक मुझसे कहीं दोबारा न हो जाए, इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। तो यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए, गांव से हताश कौन हो गया था, तो गांव से हताश लेखक हो गया था। इसलिए कृषि शास्त्र की मोटी मोटी किताबें मंगवाकर मैंने उनका अध्ययन आरंभ कर दिया। गांव से मैं हताश हो गया था। वहां वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। वहाँ वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। यहाँ लेखक कहना चाहते हैं कि मैंने सिनेमा में या सिनेमा के पर्दे पर गांव का जो माहौल देखा, वो गांवों में वो माहौल नहीं है। अर्थात सिनेमा में गांवों की स्थिति को कुछ अच्छे और सुंदर तरीके से दर्शाया जाता है। वहां वह था ही नहीं जो मैंने रुपहले पर्दे पर देखा था। फिर भी मैं अध्ययन करता रहा। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती। अध्ययन करते करते मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांव में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। मुझे बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए मैं भी शहर चला गया। दूसरे दिन मुझे अपने खेतों में अच्छे हलों से जोताई करानी थी। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए मैं फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन मुझे नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं, इसलिए मैं फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाइयाँ खरीदने के लिए मुझे शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर मुझे कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। फिर मुझे किसी कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा। इसलिए एक दिन मैंने कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्ड राय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुरशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चचा से कहा, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए
इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा, वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेखक ने अपने शहर जाने का निश्चय क्यों कर लिया, लेखक ने अपने शहर जाने का या अपने शहर जाने का निश्चय क्यों कर लिया, यदि यहाँ पर आपसे प्रश्न पूछा जाए लेखक ने अपने शहर जाने का निश्चय क्यों कर लिया, तो आप इसका उत्तर देंगे, लेखक इस नतीजे पर पहुंचा कि आदर्श खेती गांवों में हो ही नहीं सकती, वह शहर में ही होती है। यह सब इस प्रकार से हुआ। मुझे लेखक को बीज और खाद खरीदने के लिए बीज गोदाम जाना पड़ा। बीज गोदाम के कर्मचारी शहर गए हुए थे, इसलिए लेखक भी शहर चला गया। दूसरे दिन लेखक अपने खेतों में अच्छे हलों से जोताई कराना चाहते थे। अच्छे हल शहर में मिलते हैं, इसलिए लेखक फिर शहर पहुंचा। तीसरे दिन लेखक नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। तीसरे दिन लेखक को नहर में एक नया पाइप लगवाने की ज़रूरत जान पड़ी। उसके लिए बड़े इंजीनियर का हुक्म लेना पड़ता है, वे शहर में रहते हैं, इसलिए लेखक फिर शहर गया। चौथे दिन कुछ कीटनाशक दवाइयां खरीदने के लिए लेखक को शहर का चक्कर लगाना पड़ा। फिर लेखक कृषि विभाग के एक कर्मचारी की शिकायत करने के लिए शहर जाना पड़ा, इसलिए एक दिन लेखक कृषि शास्त्र की सब किताबें एक बैग में बंद की और अपनी कार्ड राय की पतलून और रंग बिरंगी छापेदार बुरशर्ट पहनी, फेल्ट कैप लगाई और चाचा से कहा, देखिए यह खेती का काम ऐसा है कि बिना शहर गए इसे साधना कठिन है, इसलिए मैं शहर जा रहा हूँ, वहीं रहूँगा और वहीं से वैज्ञानिक ढंग की खेती करूँगा। आगे बढ़ते हैं। चाचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुँह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझे पहली चूक हुई। जाओ शहर ही में रहकर खेती करो। जब यहाँ पर यदि आपसे प्रश्न पूछा जाए कि लेखक जब अपने शहर लौट रहा था, तब उसके चाचा ने लेखक को क्या क्या उलाहने दिए, तो आप इसका उत्तर देंगे, चाचा ने प्रसन्नतापूर्वक हंसकर कहा, जैसे खूंटे से छूटी हुई घोड़ी भूसे के ढेर पर मुँह मारती है, जैसे धूप में बंधी हुई भैंस
जैसे धूप में बंधी हुई भैंस तालाब की ओर दौड़ती है, वैसे ही तुम्हारा शहर की ओर जाना बड़ा स्वाभाविक और उचित है। मैं आदमी पहचानने में कभी चूक नहीं करता, पर तुम्हें पहचानने में ही मुझसे पहली चूक हुई। जाओ, शहर ही में रहकर खेती करो। आगे बढ़ते हैं। मैंने भी प्रसन्नता मुद्रा में कहा। लेखक कहते हैं, मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा। मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई। नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई। पहली चूक तो मुझी से हुई थी, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। और लेखक ने कहा, मैंने भी प्रसन्न मुद्रा में कहा, नहीं चाचा, चूक आपसे नहीं हुई। पहली चूक तो मुझी से हुई, जो मैंने बाजरे को पहले आदमी समझा और बाद में उसे छायादार पेड़ समझता रहा। पर कोई बात नहीं, अब मैं शहर में रहकर बाजरे के विषय में अपनी रिसर्च करूँगा और बताऊँगा कि किस खाद के प्रयोग से बाजरे की लताओं में मीठे और बड़े बड़े फल लाए जा सकते हैं। इस प्रकार हम दोनों ने प्रसन्नता पूर्वक एक दूसरे से विदा ली। मैं सीटी बजाता हुआ स्टेशन की ओर चल दिया और वे बैलों की पूंछ उमेटते हुए खेत की ओर चले गए। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ कठिन शब्दार्थ हैं जिनका हम अध्ययन करेंगे। बान का अर्थ होता है व्यापार। अधम का अर्थ होता है घटिया। हाथ लगना या हाथ लगाना का अर्थ होता है काम शुरू करना। पेशा का अर्थ होता है व्यवसाय या धंधा। जाहिलों का अर्थ होता है गंवारों या मूर्खों। पवित्र का अर्थ होता है शुद्ध। पंचभूत का अर्थ होता है पांच तत्व, पृथ्वी, जल, अग्नि, आकाश और वायु। पंचगव्य का अर्थ होता है गाय से प्राप्त पांच वस्तुएं, दूध, दही, घी, गौमूत्र, गोबर। दंग रह जाना का अर्थ है आश्चर्यचकित होना। प्रशंसा का अर्थ है तारीफ। कॉफी हाउस का अर्थ है कॉफी पीने का स्थान। ठूंठिया का अर्थ है फसल काटने के बाद खेतों में बची गड़ी लकड़ी। क्लब का अर्थ होता है क्लब। हीरो का अर्थ होता है नायक। राहक का अर्थ होता है रास्ता। हीरोइन का अर्थ होता है नायिका। चूक का अर्थ होता है भूल या कमी। बात टाल देना का अर्थ होता है बात की ओर ध्यान न देना। अध्ययन का अर्थ होता है पढ़ाई। हताश का अर्थ होता है निराश। हुक्म का अर्थ होता है आज्ञा। कीटनाशक का अर्थ होता है कीड़े मारने वाली दवाई। स्वाभाविक का अर्थ होता है कुदरती या सहज। रिचर्स का अर्थ होता है खोज। लता का अर्थ होता है वेग। इसी तरीके से यहाँ कुछ आगत शब्द दे रखे हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि आगत शब्द होते क्या हैं, आगत शब्द कहते किसे हैं। तो आगत शब्द उन्हें कहते हैं वे शब्द जो विदेशी भाषाओं से हिंदी में आए हैं और हिंदी में प्रयुक्त होने लगे हैं, उन्हें आगत शब्द कहते हैं। जैसे फारस यहाँ पर उर्दू फारसी शब्द है। बुरसठ यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। फेल्ट कैप यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। सिनेमा यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है।
हीरो यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, तो ये क्या है, सभी विदेशी भाषाओं के शब्द हैं। इसी तरीके से किताब यहाँ उर्दू फारसी शब्द है, ये भी विदेशी भाषा है। रिचर्स यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, बैग यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, हीरोइन यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, ग्लेडस्टन यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, कार्डराय यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है, बीए यहाँ पर अंग्रेजी शब्द है। ये सभी क्या है, अंग्रेजी या विदेशी भाषाओं से संबंधित शब्द हैं जो हिंदी में आए हैं और प्रयुक्त होने लगे हैं। इसी तरीके से आप इन्हें अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, इनसे संबंधित प्रश्न आपसे पूछे जा सकते हैं। इसी तरीके से यहाँ पर कुछ मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी दे रखी है। तो उत्तम हम इस तरीके से उत्तम लिखते हैं, तो ये प्रचलित वर्तनी है, और इस तरीके से हम उत्तम लिखते हैं तो ये मानक वर्तनी है। इसी तरीके से यहाँ पर गद्देदार हमने इस तरीके से लिखा, और यहाँ पर मानक वर्तनी में गद्देदार हमने इस तरीके से लिखा। तो हिंदी साहित्य अकादमी नई दिल्ली द्वारा जो संशोधन किया गया है उसके अनुसार भ्रमित करने वाले वर्णों को अलग करके लिखा जाए और संयुक्त वर्णों को भी अलग करके लिखा जाए और पंचम वर्णों के स्थान पर अनुस्वार यानी कि अंकी बिंदी का प्रयोग किया जाए, तभी वो शब्द शुद्ध माने जाते हैं, वरना ये शब्द यहाँ पर अशुद्ध माने जाते हैं। जैसे गद्देदार यहाँ पर वर्तमान समय में इसे अशुद्ध शब्द माना जाता है, और गद्देदार हम इस तरीके से लिखेंगे तो इसे शुद्ध माना जाता है, इसी तरीके से यहाँ पर बंद हमने इस तरीके से लिखा, ये नए यहाँ पर पंचम वर्ण है, और हिंदी साहित्य अकादमी के अनुसार पंचम वर्णों के स्थान पर अंकी बिंदी यानी कि अनुस्वार का प्रयोग किया जाता है जब ही वो शब्द शुद्ध माने जाते हैं। तो बंद हम इस तरीके से लिखते हैं तो ये प्रचलित रूप है, पुस्तकों में हमें इस तरीके से देखने को मिलता है, परंतु ये यहाँ पर अशुद्ध शब्द है, और ये बंद हम इस तरीके से लिखेंगे तो ये मानक रूप है, मानक वर्तनी है, इसे वर्तमान समय में शुद्ध माना जाता है। इस तरीके से आज हमने इस पाठ का विस्तार पूर्वक विधिवत रूप से अध्ययन कर लिया है। आप इस पाठ में मेरे द्वारा जो प्रश्न पूछे गए हैं, आप उन सभी प्रश्नों को उत्तर सहित अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें, और इस पाठ के कठिन शब्दों को आगत शब्द और मानक वर्तनी और प्रचलित वर्तनी, इन सभी को आप अपनी उत्तर पुस्तिका में लिपिबद्ध करें और याद करें, ताकि आपकी परीक्षाओं में इनसे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं तो आप बड़ी सरलता और सुगमता के साथ उनका उत्तर दे सकते हैं। आज के लिए इतना ही, से कल पढ़ेंगे। थैंक यू।